आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के विशेष गुण के बारे में जानेंगे, आशीष देने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 139 17 और 18 वचन। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जब 1 से 10 तक गिनती सीख लेता है तो वह अपने आसपास की हर वस्तु गिनता है, जैसे मार्ग पर चलते हुए पेड़ पौधे, अपनी हाथों की उंगलियाँ, खिलौने, सिक्के। लेकिन कई बार हम अधूरी बातों में व्यस्त हो जाते हैं और उनके बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और चारों ओर की अच्छी बातों को नहीं देख पाते। शायद हम परमेश्वर की दैनिक आशीषों को अपनी उंगलियों पर नहीं गिन पाएंगे जो प्रभु ने हमें दी, जैसे हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर, हंसी के पल, खुशी के मौके, मित्रों की चंगाई तथा हमारी ज़रूरतों की चीज़ें। जिस प्रकार भजनकार कहता है भजन संहिता 40 के 5 में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करो, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर की दैनिक आशीषों के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि वो अनगिनत हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हमें याद दिलाने के लिए कि आप सबसे बढ़कर हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम अपनी व्यस्तता में उन आशीषों को नहीं देख पाते। प्रभु जी, हमारी सारी ज़रूरतों को आप जानते हैं और पूरी करते हैं। हम सभी को बस आप पर निर्भर रहने की ज़रूरत है, और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं प्रभु जिनका हम धन्यवाद करना भूल गए हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। एक बार फिर से हम दैनिक आशीषों को देखना शुरू करें जो आप हमें देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।